हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज मैं आप लोगों का फेवरेट वाटर फाउंटेन बनाने जा रही हूं। और मैं, मेरी एक व्यूअर हैं तान्या जी, उनको स्पेशली वेलकम करना चाहती हूं, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला है कि मैं अपने किसी वीडियो में उनका नाम लूं। तो तान्या जी, मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ, मुझे बहुत हेजिटेशन हो रहा है और लेकिन फिर भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम टू माय चैनल। और चलिए अब चलते हैं हमारी वीडियो में। अब हम अपना वाटरफॉल बनाने जा रहे हैं और इसके लिए हमें किन किन मटेरियल की ज़रूरत होगी वो मैं आपको दिखा देती हूँ। हमें ये टब लेना है, ये थोड़ा गहरा है ये टब, और मैंने गहरा इसलिए लिया है कि मैं इसमें फिशेस भी रखती हूँ। तो एक ये टब है सिंपल सा, और ये जो आप रोड साइड ये पत्थर होता है, ये मैंने इसका इस्तेमाल किया है। इसमें आपको किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे ये इजीली अवेलेबल हो जाएगा। एक्सटेंशन है, हमें इसकी भी ज़रूरत होगी। ये 18 वाट पावर का पंप है और पानी को रोटेट करेगा, इसलिए ये सबसे मेन पार्ट है इसका, वाटरफॉल का। और हमें ये ग्लू गन है जिससे हम इसको चिपकाएंगे इसके आगे, ये कवर करने के लिए इसकी बॉडी को। तो ये ग्लू गन भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए। और अगर आप इसमें फिशेस डालते हैं तो उसके लिए ये एक ऑक्सीजन पंप है जो आपको किसी भी फिश शॉप पे मिल जाएगी, एक्वेरियम में, सारे एक्वेरियम में तकरीबन ये यूज़ होता है। पेंट वाली बकेट है जिसको मैंने कट करके उसका आधा पोर्शन लिया है, ताकि हम इसमें जितने हमारे, हमने वो रोड साइड जो रॉक है वो लिया है, उसको इसमें स्टेबल कर सकें। और अगर आपके पास ये ना हो तो आप इतने ही साइज़ की कोई छोटी टोकरी यूज़ कर सकते हैं, प्लास्टिक का ही टब यूज़ कर सकते हैं, और जो थोड़ा इतना गहरा हो, 6 इंच गहरा हो, ताकि वो सपोर्ट ले सके। हम इसको ऐसे बीच में डाल देंगे इस तरह से। इसके बाद हम अपना सारा रॉक लगाना शुरू करेंगे, हमें उसको एक पे एक स्टेबल करना है ऊपर तक इस तरह से। पहले बड़े बड़े रखेंगे हम, जितने भी बड़े वाले हैं बेस बनाने के लिए उनको पहले डालेंगे। हमें बेस ऐसा बनाना है जिससे हम इसको पिरामिड शेप में डाल सकें, और इसीलिए नीचे का विड्थ जो है इसका चौड़ा होना चाहिए, ऊपर आते आते वो थोड़ा नैरो हो जाएगा। पत्थर का पिरामिड बनाने से पहले, इसको कंप्लीट करने से पहले, हम इसमें पंप सेट करेंगे। आप ये पंप देख रहे हैं, उसमें मैंने ये जो गार्डनिंग में जो पानी डालने के लिए पाइप यूज़ होता है, मैंने उसका इस्तेमाल किया है, उसको कट करके और इसमें जोड़ना, ये बहुत इजी है, आराम से जुड़ जाता है। तो इतना बड़ा मैंने लिया है इसके लिए, और पहले इसको सेटल कर लेंगे, फिर बाकी बचे हुए पत्थरों को हम लगाएंगे इस तरह से, देखें। और मैंने ये सेटअप आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पे रखा है, क्योंकि मैं इसे बालकनी में रखती हूँ, लेकिन आप अपने गार्डन के किसी भी कॉर्नर में अगर इसको हाइट दे करके इस तरह का बनाएं तो बहुत ही अच्छा लगता है। और मेरा तो थोड़ा लो था, लेकिन आप इसको हाइट देके, जितना हाइट देंगे उतना ही खूबसूरत दिखेगा, तो आप लोग ऐसा ही करें। आइए अब इसको लगाते हैं। पाइप को थोड़ा सा लंबा ही रखें कि कभी आपको किसी तरह की ज़रूरत हो तो इसको कट ना करना पड़े, थोड़ा सा लंबा रखेंगे हम। और
इसमें इस तरह से इसको सेटल कर देंगे नीचे की तरफ। देखें अब इस पाइप को हमने इस तरह से बीच में लाके इसको कवर करने की कोशिश करेंगे और हमें ऐसे इसके किनारे किनारे सारे पत्थरों को सेट कर देना है इस तरह से। ऐसे इसमें आपको थोड़ा शुरुआती टाइम में मुझे भी बहुत टाइम लग गया था इसको सेट करने में, क्योंकि मैं एक पत्थर उठाती थी दूसरा गिर जाता था नीचे, तो आप लोगों को भी थोड़ा सा इसको टाइम लगेगा, लेकिन एक बार सेटल हो जाने के बाद ये आराम से रहते हैं। देखें यहाँ ये मैंने इसको सेट कर दिया है और मुझे थोड़ा टाइम लग गया, जबकि मैंने इसे बहुत बार मैं कर चुकी हूँ, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप जब इसे बनाएं तो अपना पेशेंस ना खोएं, क्योंकि मुझे लगता है अभी भी मुझे इसको सेटल करने में थोड़ा टाइम लगा है, क्योंकि ये पत्थर थोड़े से डिसओरिएंटेड हो जाते हैं, बहुत मुश्किल होती है उसको टैकल करने में। तो मैंने सोचा कि मैं आपको पहले ही बता दूं, ताकि जब आप इसे बनाने लगे तो आप ये ना सोचें कि रश्मि जी ने क्या बता दिया हमें। तो थोड़ा सा पेशेंस रखें इसको ठीक करने में। और अब मैंने वेट इशू होने की वजह से, जैसे इसमें इस पत्थर का भी वेट है, पानी का भी वेट है, और मैं टॉप फ्लोर पर रहती हूँ, ये मैंने टॉप फ्लोर पर अभी रखा हुआ है, इस वजह से मैं इसमें पेबल और एक्स्ट्रा पेबल्स और ये सीमेंट से इसको कवर करना ये सब मैंने नहीं किया है। लेकिन अगर आप इसको कहीं ज़मीन पे बनाते हैं या कहीं ऐसी जगह पे बनाते हैं जिसमें ये इश्यू ना हो, तो आप इसके चारों तरफ सीमेंट का एक घोल लगा के और छोटे छोटे कलरफुल सुंदर से पेबल्स से इसको ढक सकते हैं। लेकिन मैंने इसका एक तरीका निकाला है, एक तो हम इसे जो हमारे पास प्लांट हैं, अगर हम टॉप फ्लोर पे इसको रख रहे हैं तो आप कोई भी प्लांट से इसको डेकोरेट कर सकते हैं। अगर हम बालकनी में इसको रखते हैं तो लो लाइट प्लांट जो बालकनी के लिए होती हैं, फोलिएज प्लांट, उससे हम इसको कवर कर सकते हैं। और एक और तरीका है, ये और ना लगे इसके लिए हम इस तरह के जो आर्टिफिशियल इस तरह की हैंगिंग्स होती हैं उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप देखें कि इसको मैं इसके चारों तरफ ग्लू गन, मैंने आपको दिखाया था ग्लू गन की मदद से, ये रहा ये हमारा ग्लू गन है, इसकी मदद से हम इसको चारों तरफ से कवर कर देंगे। ये फाउंटेन अब बन के तैयार हो गया है, ये फाइनल लुक में ऐसा दिख रहा है। मैंने कुछ प्लांट्स इसमें लगाए हैं, छत पे आप फ्लावरिंग प्लांट भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि फुल सनलाइट में रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप देखें यहाँ पे मैंने ये सिप्लेरिया का प्लांट लगाया है और ये मेरा अम्ब्रेला पाम है, ये ग्लाडिया है, ये सदाबहार है, इस तरह से मैंने इसको डेकोरेट कर दिया है। अब ये पूरा जंगल लुक लग रहा है, तो आप लोग भी ऐसे ही डेकोरेट कर सकते हैं। और मुझे इसे बनाने में, अभी इसे सेट करने में मेन पार्ट है इस रॉक्स को सेट करना, इन सारे रॉक्स को। तो ये इसमें मुझे इतनी बार बना चुके होने के बावजूद भी मुझे इसमें अभी 25 मिनट्स लगे हैं इसको सेट करने में, तो आप लोग भी पेशेंस रखें और पानी को बार बार पंप को चला के देखते रहें जब आप इसको सेट कर रहे हों, क्योंकि आपके एक पत्थर के हटने से इसका पूरा सिस्टम चेंज हो जाता है। तो आपको देखना है कि आपको पानी का फ्लो कैसा चाहिए। जब आप ये पत्थर लगा लगा के बीच में देखते रहेंगे, बीच में ऑन करके ऑफ करके, तो आपको पता चलेगा कि आपको किस तरह का फॉल चाहिए। तो उसी तरह से अपने रॉक को स्टेबल करें, रखें। मैंने इसे अपने बालकनी में रखा हुआ था तो इसमें फिशेज भी थी, और आप गप्पी या मॉली फिश रख सकते हैं, इसमें ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं होती है और ये इस तरह के खुले पॉन्ड में भी आराम से रहती हैं। तो उसके मेंटेनेंस में आपको सिर्फ ऑक्सीजन पंप लगाना है
और जब बहुत ठंड पड़ती है, जैसे मैं दिल्ली में रहती हूँ तो यहाँ ठंड एक्सट्रीम पड़ती है, उस टाइम मैं इसमें वाटर हीटर लगा देती हूँ ताकि वाटर एकदम चिल्ड ना हो। और इसमें मॉस भी जम जाता है, काई जम जाती है, तो उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप फिश रखेंगे इसमें तो वो काई को एज अ फूड इस्तेमाल करती हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा सफाई करने का एक ही है तरीका कि इसके जो वॉल में जो काई जमती है उसको आप किसी कपड़े की मदद से या बर्तन धोने के किसी चीज़ से आप उसको साफ कर सकते हैं हल्के हल्के हाथों से रगड़ के। और हर 15 दिन से एक महीने में आप इसका आधा पानी निकाल दें और फिर आधा ऐड कर दें। पूरा पानी निकालने की ज़रूरत नहीं है, वो भी तब जब हम इसमें फिशेस रखते हैं तब। और जो हमारा ऑक्सीजन पंप होता है फिशेस के लिए, वो पानी को क्लीन भी करता है, इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी, आपका पानी हमेशा क्लीन रहेगा। और अगर आप फिश नहीं रख सकते हैं तो भी कोई बात नहीं, एक चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप वाटर को हमेशा रोटेट करते रहें, जैसे हमेशा सुबह शाम ये पंप चला दें, तो जब वाटर रोटेशन में रहेगा तो मच्छर आने के कोई चांसेस नहीं है। बस इतना ध्यान रखना है कि ये पानी लॉग ना हो। अगर आप लोटस लगाने के शौकीन हैं तो आप इसमें वो भी कर सकते हैं, जैसे आप इस कोई छोटा सा पॉट लें, पॉट में क्लेई सोयल डालें और उसमें या तो प्लांट डाल दें लोटस के, या फिर आप सीड डाल करके उसके ऊपर एक इंच मोटी सैंड डाल दें। सैंड से क्या होगा कि आपकी जब वो सैंड पूरा उसके मिट्टी के ऊपर आ जाएगा तो वो स्टेबल रखेगा मिट्टी को, आपका वाटर गंदा नहीं होगा और स्टेबल रहेगा, साफ क्लीन वाटर रहेगा। और छोटे से पॉट को आप किसी भी अंदर में कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं, तो आपको लोटस भी मिल गया, आपको फिशेस भी मिल गई, वाटरफॉल भी मिल गया, पूरा जंगल भी रिक्रिएट हो गया। बस इसी से आपका पूरा प्लेस अच्छा हो जाएगा। मैंने ये सारा सेटअप सिर्फ आप लोगों के लिए किया है। आपने देखा था कि ये मेरे बालकनी टूर में आपने देखा होगा कि ये मेरे बालकनी में रखा हुआ था, और मुझे पानी की आवाज़ बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैं ये फिर से सारा सेटअप उठा के बालकनी में ले जाऊंगी और फिर से दोबारा सेट करूंगी, क्योंकि मेरे किचन से मेरा बालकनी दिखता है और मुझे ये सारी चीज़ें दिखती हैं, इसकी आवाज़ भी बहुत क्लियर सुनाई देती है। तो आपको दिखाने के बाद मैं ये सारा कुछ फिर से अरेंज करने वाली हूँ। बस ये आप लोगों के लिए था। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल बटन को ज़रूर दबाएं और अपने फ्रेंड के साथ भी ज़रूर शेयर करें। लीव नेचर, लव नेचर, थैंक यू।